हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है महेश और अभी हमें जोधपुर। किस लिए? अभी तक आप टाइटल थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हमारी जर्नी होने वाली है राजस्थान की दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि चलने वाली है जोधपुर साबरमती के बीच। और हम आज इस ट्रेन में इनॉग्रल जर्नी करने वाले हैं। तो चलते हैं प्लेटफॉर्म पर और आपको दिखाते हैं कि जोधपुर की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए जोधपुर जंक्शन पर किस तरह से डेकोरेशन की गई है। हाँ जी, तो अभी हम आ चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर एक पर। बताया जा रहा है कि हमें इनॉग्रल पास वंदे भारत एक्सप्रेस में ही दिया जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि आज की अपनी डेट ऑफ जर्नी है 7 जुलाई 2023 और आज एक साथ दो वंदे भारत ट्रेनों को लॉन्च किया जा रहा है। जोधपुर साबरमती वंदे भारत एक्सप्रेस, गोरखपुर लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जोधपुर की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे जोधपुर से। अब मिलते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस के अराइवल पर, क्योंकि अभी प्लेटफॉर्म नंबर एक पर अपने वंदे भारत एक्सप्रेस का रेक नहीं लगाया गया है। गाइस, वंदे भारत का रेक अब प्लेटफॉर्म नंबर एक पर लगाया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो पीछे आ रहा है वंदे भारत एक्सप्रेस। आपको दिखाते हैं अराइवल वंदे भारत एक्सप्रेस का प्लेटफॉर्म नंबर एक पर। सो गाइस, पीछे देख सकते हो प्लेटफॉर्म नंबर एक पर लगा दी गई राजस्थान की दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस। और आप पीछे देख सकते हो इसमें 7 एसी चेयर कार का और एक एग्जीक्यूटिव क्लास का कोच शामिल है, क्योंकि ये 8 कोचों की वंदे भारत एक्सप्रेस है और ये इंडिया की सेकंड हाई रेंज पेंटोग्राफ वंदे भारत एक्सप्रेस भी है। तो चलते हैं अब आपको तो गाइस, वंदे भारत एक्सप्रेस के निकलने की टाइमिंग थी 3:30 और अभी तक यहाँ से रवाना नहीं हुई है जोधपुर की पहली वंदे भारत। और अभी आप टाइम देख सकते हो 4:05 हो चुके हैं, तो अभी तक भी जोधपुर की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस जोधपुर से रवाना नहीं हुई है। देखते हैं कि कब तक यहाँ से रवाना होती है और इस ट्रेन का फेयर क्या टाइमिंग रहने वाली है जोधपुर से, सभी डिटेल्स आपको आगे बताने वाले हैं, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा क्राउड है ट्रेन में, इस कारण से आपको भी सही तरह समझ में नहीं आएगा, आगे बताएंगे। सो गाइस, 4:45 पे जोधपुर से जोधपुर की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस रवाना हो चुकी है। और भाई साहब क्रेज देखिएगा, कितना जबरदस्त क्रेज वंदे भारत के लिए। और देखिए वंदे भारत को देखने के लिए यहाँ नीचे ट्रैफिक जाम लग चुका है, क्योंकि लोग अपने व्हीकल से उतर कर वंदे भारत ट्रेन को देखने के लिए बाहर उतर आए हैं। और बारिश होने के बावजूद भी ये लोग बारिश में भीग कर ट्रेन का आनंद ले रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर बहुत अच्छा स्वागत हो रहा है गाड़ी का, लोग बरसात में भी खड़े हैं। हाँ जी, तो हम पहुंच चुके हैं वंदे भारत एक्सप्रेस की फर्स्ट स्टॉपेज में भगत की कोठी रेलवे स्टेशन। और वैसे ऑफिशियल इसका स्टॉपेज नहीं होने वाला है, रेगुलर रन में ओनली आज इनॉग्रेशन है, इस कारण से आज इसका स्टॉपेज है भगत की कोठी रेलवे स्टेशन पर। तो क्राउड देखिए गाइस, कितना क्रेज है लोगों में वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए। तो गाइस, यहाँ पे हमारी वाटर बॉटल आ चुकी है 1/2 लीटर की। करते चल रही है बराबर। हेलो,
मजा आ रहा है। ट्रेन जो है अभी नेक्स्ट स्टेशन पाली मारवाड़ रुकेगी, तो अभी हम बासनी रेलवे स्टेशन को स्किप कर रहे हैं। बारिश आप देख सकते हैं, बारिश हो रही है और बारिश के अंदर में तो ये खुशी है, बस खुशी है तो इसलिए ओके। ट्रेन कैसी लगी आपको? अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। दिल्ली जो मेट्रो ट्रेन है ना, उससे नीचे कर दी है। बहुत यही एग्रीमेंट है, बस इंडियन रेल न्यू रेक खड़ा हुआ भाई, आप देख सकते हैं। गाइस अभी हम आ चुके हैं एसी चेयर कार कोच में, यहाँ पे भी आपको ऑटोमेटिक डोर मिल जाते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट आपको 3x2 का मिलेगा, 3 सीट इस साइड 2 सीट इस साइड मिलेगी आपको। आपको LED डिस्प्ले मिल जाएगी जिसमें आने वाला स्टेशन कितने की रफ्तार से चल रही है सभी डिटेल्स आपको इसमें मिल जाएगी। यहाँ पर आपको वॉशरूम इंडिकेटर मिल जाता है जिसमें आपको पता लग जाएगा यहीं से वॉशरूम में कोई है या नहीं। सामने फायर अलार्म मिल जाएगा, आपको दोनों साइड लगेज स्पेस मिल जाएगा। सामने आपको फुटरेस्ट, नीचे मैगजीन सॉकेट, ये आपको ट्रे मिल जाएगी जिसमें आप ब्रेकफास्ट और लंच कर सकते हो आराम से। चार्जिंग पोर्ट नीचे मिलेंगे जिसमें आप चार्जर भी और USB टाइप भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आपको आर्म रेस्ट मिल जाएगी, ऊपर आपको टच लाइट मिल जाएगी, आपको ओनली हल्का सा प्रेस करना है। तो गाइस अपने अभी यहाँ पर स्नैक्स आ चुके हैं, वेलकम स्नैक्स। आप अब देखते हैं क्या क्या इसमें मिलता है। तो यहाँ पे एक नमकीन दी गई है, एक यहाँ पर हमें फ्रूटी दी गई है, सैंडविच, एक यहाँ पर गुजिया, इसमें हमें दिया गया एक समोसा, इसमें एक कचौड़ी, मंच चॉकलेट दी गई है 10 रुपये वाली। तो ये कुछ दिया गया है सैंडविच में हमें। तो भाई समोसा टेस्ट में काफ़ी बढ़िया है, और समोसे में अंदर मटर भरे हुए हैं, देखिए आप, मतलब पूरे समोसे में मटर भरा हुआ है। तो गाइस टेस्ट काफ़ी बढ़िया लग रहा है, फिनिश करके जब आपसे मिलते हैं। इंदौर मिल गई हमें भारतीय रेल के साथ यात्रा। तो गाइस सामने आप ये ट्रेन देख रहे हो, ये है इंदौर जोधपुर एक्सप्रेस और जो कि पाली मारवाड़ में अभी रुकी हुई है। सो गाइस पाली मारवाड़ रेलवे स्टेशन पे देखिए कितना ज़्यादा भीड़ है। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं पाली मारवाड़ रेलवे स्टेशन, और आपने बाहर देखा था कि कितना ज़्यादा क्राउड था, इस कारण से हम बाहर भी नहीं गए क्योंकि ब्रेक्स लेना बिल्कुल भी, आपको पता है कि बाहर रह जाए ऑटोमेटिक डोर है तो कुछ भी हो सकता है, इस कारण से हम बाहर भी नहीं गए गाइस। और मैं आपको बता दूं कि रेगुलर रन में ये जोधपुर से रवाना होने के बाद फर्स्ट स्टॉपेज इसका पाली मारवाड़ रेलवे स्टेशन ही होने वाला है। ये सुबह 6:45 पर पाली मारवाड़ रेलवे स्टेशन पहुँचेगी, 2 मिनट का यहाँ पर स्टॉपेज रहेगा। हिफाजत करते हुए और यहाँ भाई ट्रेन ने देखिए, मतलब रोड पे लोग देखने के लिए आए वंदे भारत एक्सप्रेस। पहुँच चुकी है तो बाहर उतरते हैं और दिखाते हैं आपको मारवाड़ जंक्शन पर किस तरह से जो है दर्शन किया जा रहा है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रांसपोर्ट जंक्शन। Thank you.
सामने की तरफ देख सकते हो, बच्चे बड़े सभी खड़े हुए हैं वंदे भारत ट्रेन को देखने के लिए। सभी लोगों दरवाजे खुल चुके हैं। सो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं मारवाड़ जंक्शन। रेगुलर रन में इसका स्टॉपेज नहीं होने वाला है मारवाड़ जंक्शन पर। आज इनॉग्रेशन है, इस कारण से इसे मारवाड़ जंक्शन पर इसका स्टॉपेज दिया गया है। वैसे इसका इनॉग्रल टाइमिंग थी मारवाड़ जंक्शन पर आने की 5:10, अभी टाइमिंग हो रहा है 6:43। करीबन हम 1.5 घंटे डिले चल रहे हैं। तो लोगों में आपने क्रेज देखा गाइस, कितना क्रेज है। चलते हैं, नहीं तो अपना सीट भी रुक जाएगा गाइस। मीटर गेज ट्रैक और आप सामने देख सकते हो मीटर गेज ट्रैक। हाँ, वो जो रेड, वो सामने जो वो जो रेड सिग्नल दिख रहा है, रेड सिग्नल दिख रहा है, वो मीटर गेज लाइन, मीटर गेज ट्रैक का है। न्यू मारवाड़ डीएफसी स्टेशन और यहाँ पर डब्ल्यूडीएफसी दोनों गाड़ियां और आप बैग में इनके साथ डबल स्टैक आप देख सकते हो। यहाँ पे हमें चाय सर्व कर दी गई है, यानी गर्म पानी दिया गया है, बाघ बकरी चाय दी गई है। अब इसे मिक्स करना होगा और हमारी चाय रेडी। बड़ी चाय, बड़ी टेस्टी चाय बनी हुई है। इलायची का फ्लेवर और टेस्ट सच में बहुत ही लाजवाब। हमें डिनर सर्व कर दिया गया है गाइस, तो अभी अनबॉक्सिंग करते हैं क्या क्या दिया गया है इसमें। सो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं जवाई बंद रेलवे स्टेशन और यहाँ पे इसका ऑफिशियल होल्ट नहीं होने वाला है। कहाँ से हो? नहीं, मैं ना बॉम्बे से हूँ। मेरा बहन का आदमी मोटरमैन है, उनका नाम है संजय निरंजन मोटरमैन। अच्छा, वो मेरा बहन का आदमी बॉम्बे में। वो मतलब तो कैसी लगी आपको वंदे भारत? आपको बहुत अच्छा लगा। आज लेकर कल हमको आगे यूट्यूब चैनल। सो गाइस अब आपको डिनर अनबॉक्स करके दिखाते हैं कि क्या क्या हमें मिला है। मिर्ची बड़ा दिया गया है एक, कुछ इस तरह से आप देखिए। यहाँ पे हमें एक नमकीन दी गई है और यहाँ पे एक गट्टे की सब्जी जी। हलवा दिया गया है हमें, सोन हलवा है आई थिंक। हमें स्वीट्स में दिया गया है एक ये हरी मिर्ची की चटनी है सिंगरी। तो आज तक मैंने ट्राई नहीं किया कि किस तरह की होती है ये सिंगरी। परांठे दिए गए हैं, दिखाते हैं आपको इसमें। हाँ, और वंदे भारत में अभी तक मुझे चपाती देखने को मिली थी, इसमें पराठे दिए गए हैं, आपको दिखाता हूँ मैं। सो गाइस यहाँ पे हमें 3 पराठे दिए गए हैं, तो अभी टेस्ट करके बताते हैं कि कैसा है। गट्टे की सब्जी में थोड़ी मिर्ची कम लग रही है, वैसे सही है टेस्ट में। मिर्ची बड़ा बहुत बढ़िया है। सब्जी मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ, टेस्ट में तो काफ़ी बढ़िया लग रही है, मैंने आज तक कभी ट्राई नहीं किया। ये बालू चाय की तरह ही कुछ दिया गया है, नमकीन दी गई है हमें इस टाइप। यहाँ पर हमें छाछ भी सर्व कर दी गई है अभी। जबरदस्त लाजवाब, मजा आ गया, बढ़िया लगा आपको? ये 10 है, ये 10 है, और सर से और पता कर लेते सर ये तो इसका नाम क्या है वैसे? सब्जी का नाम क्या सर? आप तो राजस्थान से होंगे सर? नहीं सर, मैं एमपी से हूँ। अच्छा, तभी सर, बिकॉज अगर शायद राजस्थान से होते तो जानते कि जानते सर की गई है। इसका नाम प्रॉपर क्या है? आई थिंक मेरे अंदर से तो बालू शाही है, बालू शाही। सो गाइस इसका नाम माखन बड़ा है, तो अभी पता करके बताया सर ने। तो अभी हमने टेस्ट नहीं किया, इससे पहले हमने ये हलवा टेस्ट करके बताया था, काफ़ी बढ़िया सर्व किया गया है के लिए। तो गाइस जोधपुर की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस अब आ चुकी है आबू रोड, और यहाँ पर इस ट्रेन का रेगुलर रन में भी स्टॉपेज होने वाला है। रेगुलर रन में जब जोधपुर से साबरमती की ओर जाएगी तो ये सुबह 9:05 पर आबू रोड पहुँचेगी। वैसे आबू रोड आता है राजस्थान राज्य के सिरोही ज़िले में, और पहले इसे खराड़ी नाम से जाना जाता था आबू रोड रेलवे स्टेशन को। तो होते कुछ ही समय में यहाँ से रवाना, और आप देख सकते हो कि
इतना ज्यादा क्राउड है, ऑटोमेटिक डोर है गाइस, अंदर चलते हैं, कभी भी बंद हो सकते हैं, आपको पता है गाइस। सो गाइस वंदे भारत एक्सप्रेस निकल चुकी है आबू रोड रेलवे स्टेशन से, और आप क्राउड देखिए कितना क्रेज है लोगों में वंदे। सो गाइस अब आपको वंदे भारत एक्सप्रेस के रेगुलर रन की टाइमिंग बता देता हूँ। ट्रेन नंबर 12461 जोधपुर साबरमती वंदे भारत एक्सप्रेस वीक में 6 दिन ट्यूजडे को छोड़कर सुबह 5:55 पर जोधपुर से निकलेगी और ये दोपहर 12:05 पर साबरमती पहुंच जाएगी। ट्रेन नंबर 12462 साबरमती जोधपुर वंदे भारत एक्सप्रेस शाम 4:45 पर साबरमती से निकलेगी और रात 10:55 पर ये पहुंच जाएगी जोधपुर रेलवे स्टेशन। इस दौरान ये 449 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी 6 घंटे 10 मिनट में। तो ये किसकी कुछ रेगुलर रन की टाइमिंग होने वाली है, और जिस स्टेशन पर इसका रेगुलर रन में होल्ट होने वाला है तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। जोधपुर से रवाना होने के बाद ये पाली मारवाड़, फालना, आबू रोड, पालनपुर, महसाना में इसका स्टॉपेज रहेगा। हाँ जी अब हम आ चुके हैं पालनपुर रेलवे स्टेशन, और यहाँ पर इस ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉपेज है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये आता है गुजरात के अहमदाबाद डिवीजन में, यहाँ से लाइन डाइवर्ट होती है भीलड़ी के लिए और एक जिस पर हम जा रहे हैं आबू रोड महसाना लाइन। तो कुछ ही समय में यहाँ से रवाना होंगे, और गाइस यहाँ पर लोगों में क्रेज देखिए, रात के 10 बज रहे हैं और 10 बजे भी यहाँ पर कितने सारे लोग वंदे भारत एक्सप्रेस को देखने के लिए आए हैं। और यहाँ पर हाई रेंज पेंटोग्राफ देखिए गाइस, देखिए हाई रेंज पेंटोग्राफ, ये भी हाई रेंज पेंटोग्राफ पे चलती है, ये राजस्थान की दूसरी वंदे भारत है, और ये भी हाई रेंज पेंटोग्राफ पे चलती है, राजस्थान की फर्स्ट वंदे भारत भी हाई रेंज पेंटोग्राफ पर ही चलती है। अब चलते हैं, मिलते हैं इस ट्रेन के डिपार्चर पर। गाइस सामने आप देख रहे हैं ये आ रही है बांद्रा टर्मिनल दिल्ली सराय रोहिला गरीब रथ एक्सप्रेस। इसमें अभी बोलेंगे कि इसका भव्य यही क्रेज देखने के लिए हम आए थे। वंदे भारत जो है ट्रेन यहाँ पर आई है, देखने के लिए आए थे वंदे भारत एक्सप्रेस को, तो देख सकते हो यहाँ पर भारत माता की जय। तो गाइस महसाना रेलवे स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस रवाना हो चुकी है, और क्रेज देखिए लोगों में वंदे भारत एक्सप्रेस को लेकर कितना क्रेज है। फाइनल
गाइस, अब हम आ चुके हैं वंदे भारत एक्सप्रेस की डेस्टिनेशन साबरमती रेलवे स्टेशन, और यहाँ से अहमदाबाद का डिस्टेंस अराउंड 6 किलोमीटर है। इसका कमर्शियल रन 9 जुलाई से होने वाला है जोधपुर से। बात करें इसके फेयर की तो जोधपुर साबरमती के बीच इसका एसी चेयर कार का किराया 1115 रुपये, एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया 2130 रुपये होने वाला है। करें जर्नी एक्सपीरियंस की तो जर्नी एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया रहा, जो कि डिनर सर्व किया गया तो काफ़ी बढ़िया था। आपने देखा था कि जो परांठे दिए गए थे देसी घी के थे गाइस, और स्नैक्स में भी काफ़ी बढ़िया चीज़ें दी गई थी, एक समोसा दिया गया था, कचौड़ी दी गई थी और भी काफ़ी चीज़ें दी गई थी। तो जर्नी एक्सपीरियंस अपना काफ़ी बढ़िया रहा। आपको जर्नी कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेक श्योर जर्नी पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल में पहली बार तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको मिल जाए। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग यूजफुल जर्नी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। इसी तरह हमारे साथ वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ ट्रैवल करते रहिए। साइनिंग ऑफ फ्रॉम साबरमती रेलवे स्टेशन।